दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं डिजिटल इंडिया एक कैंपेन चलाई गई थी जहां पे देश के लोगों को कहा गया था कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का उपयोग करें, चाहे वो आपके टोल का बिल हो या फिर आपकी रेलवे की टिकट का पैसा हो, आपको सारी जगहों पे ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन दिए गए थे। साथ ही में कुछ लोगों ने ये कहा था कि आप सारे चाइनीज ऐप डिलीट कर दीजिए, आपका मोबाइल सेफ रहेगा, आपका डेटा चोरी नहीं होगा। लेकिन क्या किसी ने डिजिटल सेफ्टी पे बात की थी? जी हाँ, ये डिजिटल सेफ्टी का सवाल किसी ने नहीं पूछा था। लेकिन मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सारे लोकल पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स और ऐसे कई अधिकारियों को पूछना चाहता हूं, क्या हमारा डेटा या हमारा फोन सेफ है और इसका जवाब कौन देगा? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ चुके हैं। जी हाँ, ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ने के वजह से इस लॉकडाउन के समय में भी लोगों ने अपना पैसा गंवा दिया है। लेकिन आज आप या मैं, हम जैसे लोग अगर कोई वीडियो बनाते हैं तो लोग या पुलिस उनके घर तक पहुंच जाती है, तो क्या ऐसे फ्रॉडस्टर्स के घर पे पुलिस नहीं पहुंच पाएगी? पुलिस पहुंच पाएगी, लेकिन शायद कुछ चीजें उन्हें रोकती है। तो मैं आज ये सवाल पूछना चाहता हूं कि वो क्या चीजें हैं और पुलिस अब तक क्यों एक्शन नहीं लेती, या फिर जानता रहा, ये जगह का नाम अगर मुझे पता है तो क्या पुलिस को नहीं पता होगा? जी हाँ, इस पर वेब सीरीज भी बन चुकी है लेकिन अभी तक एक्शन नहीं ली गई है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के बाद शायद उनकी आंखें खुल जाएगी और वो कुछ तो एक्शन लेंगे। अभी के लिए इतना ही, मेरे दिल में कई सवाल है लेकिन अभी के लिए इतना ही। मुझे देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।